और कल एक लड़की देखी थी फीडबैक की घटिया मोमोज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसने किस बेस पे फीडबैक दी है, क्योंकि हमारे तो मोमोज रिपीटेड भी चले। अब आराम से बैठा है, अब इसको पता है इसके बुरे हाल हुए हैं क्योंकि स्वेलिंग भी आ चुकी है पैरों में बेचारे के, बेचारा हमारा चीजू। सो गाइज हमने सारे रैक खाली कर दिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं डीप क्लीनिंग होनी वाली है आज। सीजू के साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हो चुकी है, इसका ना पैर पे अरे उंगल ने खाया, देखो इसके बाल नहीं, एक तो चरण की वजह से, और इसका खेलने का मन कर रहा है पर इससे खेला नहीं जा रहा है क्योंकि इसके वजन नहीं पाया जा रहा है पैर पे, और अभी वाईफाई वाले आ रहे हैं एयरटेल वाले। सो हेलो एमआरबी, कैसे आप सारे, मैं आपका वांटेड और आप देख रहे हो एमआरबी चैनल। सो होपफुली आप सब बढ़िया होगी जैसे कि मैं हूँ, और अभी मैं आया हूँ डिलीवरी देने। तो अभी तो दिन हो चुका है, 1:30 बजने वाला है और हमारा दिन स्टार्ट ही लेट हुआ आज ब्लॉगिंग के लिए। बाकी रश पड़ा था कैफे में, टाइम नहीं लगा ब्लॉग स्टार्ट करने का, तो हमने सोचा डिलीवरी से स्टार्ट करते, मैं आया हूँ डिलीवरी देने अभी। बाकी मौसम दिखाता हूँ आपको, मौसम कैसा है आज। सो गाइस दक्षिणी में मौसम हो रहा है ख़राब फिलहाल, तो गुवाहाटी में अभी फिलहाल सही है। तो गुवाहाटी की बारिश तो आपको पता है कि गुवाहाटी में हर कभी बारिश होती है, मेरे मिनी ब्लॉग ले लो या कोई बड़े ब्लॉग ले लो आपको उसमें बारिश दिख ही जाएगी फिलहाल तो आजकल में। सो गाइस यहाँ पे वेजिटेबल्स कर रहा हूँ मैं कद्दूकस, क्योंकि मोमोज हमारे ख़त्म हो चुके हैं और आधा दूसरा मैंने कर दिया है। यहाँ पे हो रहे फ्राइड राइस रेडी, और सुबह से कंटिन्यू ऑर्डर चलेगा गाइस। यहाँ पे पिज़्ज़ा हो रहा है और यहाँ पे गार्लिक चिली जा रही है, देख सकते हो आप, और यहाँ हाथ के हाल ऐसे हो चुके हैं। थोड़ा सा रहा है, इसको करना है कंप्लीट, बाकी पीछे शोर आ रहा होगा वो किचन का, तो पहले तो इसको निपटा दे गाइस। बाकी देख सकते हो किचन में सारे काम कर रहे हैं टोटली, प्रदीप मैक और लड्डू, लड्डू पिज़्ज़ा वाला सेक्शन संभाल रही है, मैक चाइनीज़ का, और मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ प्रॉपरली फटाफट से, तो इसको करने के बाद मिलते हैं गाइस। सो गाइस इतनी सारी वेजिटेबल्स हमने कर दी है रेडी, और अभी और होना है। और कल एक लड़की देखी थी फीडबैक की घटिया मोमोज, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने किस बेस पे फीडबैक दी है, क्योंकि हमारे तो मोमोज रिपीटेड भी चले। पहली बार किसी को बोला नहीं, फिर लेना चाहिए ना ब्लॉग में, हमारे को देखना पड़ता ना, क्यों ऐसे स्टेटस में कमेंट में आएगा ना कमियां, तो तभी लगेगी पता। बट हमारे मोमोज अभी तक रिपीट में चले और कंटिन्यू मोमोज बनाने पड़ रहे, और इसको खाने से फुर्सत नहीं है। तो भाई बिरयानी दी है, यहाँ पे सारे बंदे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अरे इस बंदे की क्लिप पे शूट करनी होती है पर इसकी होती नहीं है, क्योंकि इसके आधे अधूरे काम होते हैं, इसकी बफ कैप अभी पता नहीं कहाँ गायब है। इस काम करते करते बफ कैप का पता नहीं लगता। बाकी हमने फूल गोभी डाल दी यहाँ पे गर्म होने के लिए, क्योंकि आजकल सीजन ऐसा है कीड़े होते हैं, तो वो सारा ध्यान में रख के कर रहे हैं। बाकी सुबह बारिश लग गई थी गाइस बहुत ज़्यादा, बाकी इसको देख सकते हो आप, ये बेचारा हमारे को देख के खुश हो जाता है। बट इसके यार चरड़ वाली बीमारी सही नहीं हो रही, इसको डॉक्टर के पास ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको कुछ ज़्यादा ही हो रही है प्रॉब्लम आजकल। सिस्की। बाकी गाइस अगर फीडबैक आप दे रहे हो, और कई बंदे अच्छा लिखते हैं, मतलब मैक्सिमम तो अच्छा ही लिख रहे हैं फूड को, और हमारे को खुद भी खाते, और मैं तो खुद भी चेक करता रहता हूँ बीच बीच में। बाकी मोमोज हमारे बहुत ही ज़्यादा अपसेल हो रहे हैं, आप ब्लॉग में देख सकते हो, 2-3 ब्लॉग जो मेरे अभी तक आपने मैंने डाले आपने देखे होंगे, उसे हम मोमोज बनाते तो आपको दिख ही रहे होंगे। कल हम शाम को बना रहे थे, सुबह फिर मोमोज भरे, अभी फिर मैं शाम को 5 बजने वाला है और मैं फिर से कर रहा हूँ तैयारी मोमोज की। तो आप देख लो कि दिन में 2-2 बार मोमोज ही भर रहे हैं हम, इतनी ज़्यादा डिमांड है, और जबकि हमारा गुवाहाटी में प्राइस ज़्यादा है औरों के मुकाबले, और इससे कम में दे रहे पर हम उससे ज़्यादा में दे रहे, और चटनी भी बना रहे हैं साथ में, 2-2, 3-3 चटनियाँ साथ में दे रहे हैं, टेस्टी बना के बढ़िया प्रॉपर, और जहाँ कमी आती है उसको चेक करते हैं। अगर आप ऐसी फीडबैक दे भी रहे हो तो एक बार उस पर मैंशन भी करो कि आपको ये चीज़ क्यों ऐसी लगी, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि अगर ऐसे लिख के चले जाओगे अपनी इच्छा से कि चलो रेट ज़्यादा है और लिख के चले गए, वैसे उन्होंने पिज़्ज़ा के लिए अच्छा लिखा था कि पिज़्ज़ा वो सो अच्छा है, बाकी उन्होंने वो फीडबैक लगाई नहीं थी, वो उन्होंने ऐसे मतलब फेंक दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी वो, तो चलो हमने वहाँ टेबल साफ करा तो हमने देख ली कि इसमें घटिया मोमोज लिखे हैं, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा क्यों, किस रीज़न से ऐसा क्या है, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेड चल रहा है
हमारे पास ऐसे भी कस्टमर्स थे जो लेके जाते हैं चंडीगढ़ से, आते हैं टूरिस्ट है जो हमारे पास एक बार रुके, दो बार रुके और उन्होंने मोमोज खाए, उनको अच्छे लगे और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट तक दिए हमें कि ऐसा मोमोज हमने सोलन में खाए, उसके बाद यहाँ खाए या फिर चंडीगढ़ में खाए, उसके नियर बाय बहुत कम, क्योंकि वो रुकते नहीं है ना ज़्यादा, और कई जगह तो वही मोमोज मिलते हैं जो आते हैं खरीदते हो पैकेट वाले, हम फ्रेश बना रहे उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जिसने वो फीडबैक दी थी उसको लगा होगा थोड़ा टेस्ट में डिफरेंट तो हो सकता है। बाकी एक रीज़न और है कि हमारी शेप कुछ अलग है मोमोज़ की, तो यहाँ पे कई लड़के आती है वो बोलती है कि मोमोज़ की शेप वाले मोमो देना, तो ये भी मैं बता दूँ कि मोमोज़ की शेप से वो बहुत सारी है, हम कभी टाइप की पहले भी बनाते थे और ये वाली हमने इसलिए रखी, इसमें स्टफिंग ज़्यादा होती है उसको जल्दी भर सकते हैं, क्योंकि हमारे मोमोज़ ज़्यादा लगते तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास फूड आइटम से बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से हमने ये वाली रखी है, इजी भरनी भी है, स्टफिंग भी ज़्यादा जाती है, और हमने क्वांटिटी भी 10 रखी है मोमोज़ की, तो पूरी प्लेट भर के जाती है गाइस। तो थोड़ा अगर आपको लगता है तो हमें रीज़न बताएं, कमेंट में बताएं या फिर उसमें बताएं ताकि हम सुधार कर सके। बाकी करते हैं तैयारी, मैं तो थोड़ा रिलैक्स होने आता, सुबह से कंटिन्यू ऑर्डर मार रहे गाइस सारी, तो मिलते हैं दोबारा से। सो गाइस, मैंने जैसे टूर खोला ना इसको बुलाने के लिए, तो आज इसको फिर से रिंगल ने खा दिया बेचारे को, ये मेरे पीछे पीछे आया होगा और इसके पैर में फंसा हुआ रिंगल कहीं, और इसके पहले बेचारे के बाहर नहीं है चरड़ की वजह से, और ये उछल रहा है, खेल रहा है किसी के साथ, जैसे मैं देखा इसको चीखे मारने लग गया उसके बाद, तो अभी इसको लगाया थोड़ा सा, पिछली बार भी गर्म हो गया था इसको, बुखार आ गया था, अभी बेचारा अब शांत बैठा है, अब नहीं कर रहा कोई एक्टिविटी, नहीं तो ऐसे उछला रहता है, इधर उधर भागा रहता है, अब आराम से बैठा है, अब इसको पता है इसके बुरे हाल हुए क्योंकि स्वेलिंग भी आ चुकी है पैर में बेचारे के, बेचारा हमारा चीजू। सो यहाँ पे फिर से देख सकते हो आप इतने सारे आते रहते हैं रिंगल्स, एक दिन भी यहाँ पे हमारे पास भैया आते काम करने, उनको खा दिया, और उसके बाद अभी कल परसों एक कस्टमर को खा दिया, उससे पहले एक लड़की को खा दिया था, और सीजू की तो दो बार आ चुकी है बारी, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रखा करो। सो गाइस, अभी आया है फ्राइड राइस का ऑर्डर, और हमारे पति भाऊ कर रहे हैं कटिंग, वेजिटेबल्स की कटिंग, और मैक ने बनाया है पिज्जास, आज मेरी ड्यूटी पिज्जा पे लगे गाइस, सो आज मैं चाइनीज खाने, हमने चेंज कर दिया यार, हमारा टेबल इज क्लीन, बिल्कुल क्लीन रहता है कल से, तो अभी तो मैसी मैसी टेबल दिखाता हूँ मैं आपको गाइस, देख सकते हो शेफ बाबू और यहाँ प्रदीप शेफ है, यहाँ पे तो क्लीननेस देख सकते हो, पूरा फ्लोर भी साफ है। मैं क्या कहना चाहता इस बारे में, तुम कुछ नहीं कहना चाहता भैया, हम दो दिन से आउट हो गए तो हमें सुनाने लग गए सो गाइस बनाते हैं ऑर्डर, स्क्रैच नहीं कर रहे, तो फिलहाल आज भी हम लेट हो गए खाना खाने में, और अब ऑर्डर आया है एक पास्ता आया है इंडियानो, और ये एक बर्गर आया है उसको बना रहे पनीर टिक्का बर्गर, बाकी मैं खाना खा रहा है अभी, आज भी हम लेट हो गए खाना खाने में, क्या टाइम हुआ एक्चुअली, मैं टाइम हो चुका है, टाइम दिख नहीं रहा अभी फिलहाल, तो 5:30 कुछ हो गया टाइम, बाकी पूरा सेट है किचन। सीजू के साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हो चुकी है, इसका पैर पे अरे उंगल ने खाया, देखो इसके बाल नहीं, एक तो चरड़ की वजह से, और इसका खेलने का मन कर रहा है पर इससे खेला नहीं जा रहा है क्योंकि इसके वजन नहीं पाया जा रहा है पैर पे, और अभी वाईफाई वाले आ रहे हैं एयरटेल वाले, जो हमने ट्राई करा था वो आ रहे हैं अभी, लगेगा वो भी, बाकी इसको मस्ती चाहिए, बट यहाँ पे मधुमक्खी भौरी जितनी जा रहा है, क्या बोलते इसको रिंगल्स, या देख सकते हो यहाँ पे मरे हुए हैं जो इसको बेचारे को पैर पे खाई जा रहे हैं, दूसरी बार खा लिया है और इससे पहले 2-3 आदमी को खाई चुके हैं, बाकी अगर हमारे कैफे में बैक साइड में आए तो थोड़ा ध्यान से ही आए। सो गाइस, वाईफाई लग चुका है एयरटेल का फिलहाल के लिए, बाकी यहाँ पे कैमरे की वायर आई है वो इसमें लगेगी अभी, तो बट अभी वाईफाई लगाए, नीट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा और काम है, बाकी हमने अभी किचन कराए
खाली, क्योंकि साफ सफाई होनी है बहुत सारी, टेस्टिंग होनी है प्रॉपर यहाँ पे। सो गाइज हमने सारे रैक खाली कर दिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं डीप क्लीनिंग होने वाले है आज, और टाइम बहुत हो चुका है, देख सकते हो बाहर भी क्लोज हो चुका है पूरा, सब चले गए, लास्ट में हम ही रहे फिलहाल अभी पे यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्लोज होना है अभी पूरी, यहाँ पे डीप क्लीनिंग किसी और दिन करेंगे। और हम कर रहे हैं दोनों डिनर, चीज़ चिल्ली और फ्राइड राइस के साथ, मैक के द्वारा बनाए हुए चीज़ चिल्ली के साथ। सो गाइस अभी तो हम डिनर कर रहे हैं, और बाकी आज का दिन जैसा भी गया होगा, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आज पता नहीं कैसा बना है, अभी एडिट करते हुए पता लगेगा। आज एक तो टाइम में लगा, वाईफाई वाले आ गए थे शाम को और लेट आज ब्लॉग स्टार्ट हुआ था हमारा। बाकी देखते हैं, कल है तीज, तो सबको पहले तो हैप्पी तीज, बाकी देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हो चुके हैं डीप क्लीनिंग पूरी, अभी सुबह ही हम रैक लगाएंगे दोबारा से, और हमने यहाँ का सामान भी सेट कर दिया है परे, लड्डू बैठी और में व्यस्त एकदम से, बाकी यहाँ का सेटअप भी कर दिया है दोबारा से अंदर को, शाम को ही वापस लगेगा। बाकी हमने डिनर कर लिया था जैसे दिखाया था मैंने, चीज चिल्ली और फ्राइड राइस के साथ। देखा जाए तो मेरी लाड़ी के तो पूरे मजे है खाने पीने के, पर इसके बेचारे को खाने ही देता हूँ मैं मना करता रहता हूँ मना, क्या बेचारी बेचारी इसके अब... क्यों अच्छा लगता आपको है? लगता है पर तब कभी कभी ठीक लगता है, रोज रोज थोड़ा खा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये सब कहा कि मेरा पेट पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहा है अभी एक और ये पेट पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी यहाँ पे डीप क्लीनिंग होगी दो चार दिन बाद करिए, क्योंकि कल है तीज, तो जैसे मैंने बोला कि सभी को हैप्पी तीज कल के लिए, क्योंकि कल ही आप व्लॉग देख रहे होंगे जब तीज स्टार्ट हो जाएगी, और अब की बार गुवाहाटी में भी तीज का प्रोग्राम रखा गया है, नहीं तो पिछले साल भी बोल रहे कि रखना है, बट पिछले साल नहीं रखा था बट इस बार रखा है। चलो तो कल देखते हैं कैसा काम होगा, तो अभी के लिए मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।